नमस्ते इंडिया। अपने दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी पीने के साथ करना एक बहुत ही ज़्यादा आम बात है। दरअसल चाय कॉफ़ी के शौकीन लोग अपने दिन की शुरुआत इन चीज़ों के बिना अधूरी मानते हैं। मगर आपको ये कहा जाए कि जब आप चाय और कॉफ़ी एक महीने तक बंद कर देते हो तो इससे आपकी बॉडी में गजब के बदलाव हो सकते हैं। क्या फिर भी आप चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ोगे? अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो आपको ये फ़ायदे आपको ज़रूर सुनने चाहिए कि जब आप चाय कॉफ़ी लगभग एक महीने तक बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी में गजब के बदलाव होते हैं और आपको गजब के फ़ायदे मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको कई प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। तो इससे पहले अगर हम वीडियो शुरू करें, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो। देखिए, जो लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं उनमें देखा जाता है कि उनकी हार्ट बीट नॉर्मल लोगों से कई ज़्यादा फास्ट होती है और उनमें एंजाइटी अटैक का ख़तरा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। दरअसल ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से आपको घबराहट महसूस हो सकती है, आपको चिंता बार बार लगी रह सकती है और आप डिप्रेशन का शिकार भी बन सकते हो। तो जब आप चाय कॉफ़ी पूरे एक महीने तक बंद कर देते हो तो इससे आपको घबराहट और अवसाद यानी कि डिप्रेशन वाली जो भी परेशानियां होती हैं वो काफ़ी हद तक बंद हो जाती है और ख़त्म भी हो सकती है। देखिए, जिन लोगों को मानसिक रोग हो, जो लोग मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उन लोगों को कैफीन का कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यानी कि चाय और कॉफ़ी को बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। अगर इसके दूसरे फ़ायदों के बारे में हम बात करें तो जब आप चाय कॉफ़ी पीना बंद कर देते हो तो इससे आपको नींद भी अच्छी आती है। दरअसल कुछ लोग शाम को ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं और कोई तो रात को भी चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो उन लोगों में नींद की कमी की शिकायत हमेशा लगी रहती है। जब आप चाय कॉफ़ी पीना बंद कर देते हो तो इससे आपकी नींद अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और इसके चलते भी आपको कई हेल्थ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। अगर आप फिर भी चाय कॉफ़ी नहीं पीना छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सोने से ठीक 6 घंटे पहले ही ये सारे जो भी आपको पीना है वो पी लेना है। फिर सोने के 6 घंटे के बीच के अंदर आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है तो आपको नींद अच्छी आ सकती है, वरना आपकी नींद में आपकी खलेल पड़ सकती है। जब आप चाय कॉफ़ी पीना बिल्कुल भी बंद कर देते हो तो इससे आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को यानी कि जो भी आप खाते हो उससे मिलने वाले पोषक तत्वों को बॉडी अच्छे से सोख सकती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और बी विटामिन अच्छे से आपकी बॉडी को मिल सकते हैं। दरअसल जब आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो ये सारे न्यूट्रिशन बॉडी अच्छे से नहीं सोख पाती है, तो आपको चाय कॉफ़ी पीना बंद करने से ये एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा इससे आपके दांत भी हेल्दी रहते हैं। कई बार क्या होता है कि चाय कॉफ़ी पीने की वजह से दांतों के ऊपर पीली परत जम जाती है और आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो सकती है, तो आपको ये एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, आपके दांत भी इसके चलते हेल्दी रहते हैं। कैफीन ना लेने पर ब्लड प्रेशर के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, इससे आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। दरअसल जब आप 3 से 4 कप कैफीन लेते हो यानी कि कुछ भी कैफीन कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हो तो इससे हृदय रोग का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या इतने सारे फ़ायदे सुनने के बाद भी अभी भी आप चाय कॉफ़ी पीना बंद कर सकते हो? आप मुझे कमेंट कर सकते हो।